कि 2027 में कोई नया वायरस आने वाला है जिसकी संभावना बन रही है, वैज्ञानिक अभी से उस पर प्रयास कर रहे हैं कि वो नहीं आए। अगर आ गया तो क्या करेंगे? आ गया तो अपनी जान बचाने वाले केवल और केवल पेड़ पौधे होंगे, उसकी तैयारी में अपन कर रहे हैं। अगर आप कहते हो कि ये पेड़ पौधे लगा के हम एहसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवित अपने आप को जीवित रखने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर आज अपन पेड़ पौधे लगाएंगे तो 5 साल में थोड़े बड़े हो जाएंगे और वो ऑक्सीजन खूब भरपूर मात्रा में देंगे, तो जो प्रदूषण पृथ्वी पर पैदा हो गया है वो खत्म हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए या अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं। एक जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मैं ये कहता हूँ, आजकल परिवारों में प्रेम नहीं रहेगा, है ना। परिवार में भी भाई बहन का प्रेम, काका बाबा का प्रेम, चाचा ताऊ का प्रेम, भाई भतीजे का प्रेम, तलवारें लेके फटाफट फटाफट अपन वो हो जाते हैं। भाई और बहनों, अपने को सोचना है। आप ये सोचें कि आपके पास संपत्ति है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, घर है, लेकिन बांग्लादेश जैसे हालात है तो क्या आपके रहेंगे? बांग्लादेश के बारे में जान रहे हो अभी क्या हो रहा है? बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, वहां हिंदू 8% है। कितने? 8%, 1 करोड़ और लगभग 32 लाख। और मुस्लिम वहां है 15 करोड़ और समथिंग। वहां आरक्षण के नाम पर एक दगाना शुरू हुआ और उन्होंने हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया, उसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। ये चीज हमें सोचनी है कि अगर हम एकजुट होकर के नहीं रहे और बाहर से आने वाले हमको अगर लूट लिए तो क्या होगा? तो हमें पहले परिवार की एकता चाहिए। परिवार के छोटे मोटे आपके निस्तारण कर लो, जमीन जायदाद सब यहीं की ले जाने वाली है, आपके धन दौलत सोना चांदी करके लूट ले जाएगा। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने परिवार में मिल बैठ के संपत्ति का बंटवारा कर लो, तुम्हारे खेतों का बंटवारा कर लो, लेकिन उसे आगे मत जाने दो, क्योंकि आने वाला समय अगर आपने अभी एकजुटता नहीं दिखाई तो कोई कोई हावी होकर के वही हालात भारत के भी कर सकता है जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो अपने आप की एकजुटता को पहचानो, अपने आप को जाति धर्म में मत बांटो, सब जाति सब बड़े छोटे सब एक है, सबको शाम को 2 रोटी चाहिए केवल, तो आप उस पर थोड़ा अमल करें। मेरे को थोड़ा अभी अच्छा नहीं लगा कि एक भाई यहाँ करके वो धूम्रपान कर रहा था। हम अगर ऐसा करेंगे तो हमने बच्चों को क्या सीख देंगे? आप अपने घर में धूम्रपान को थोड़ा त्याग दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बच्चों के सामने ना करें ये भी अच्छा रहेगा। कभी कभी हम आते हैं तो हमारे ये जो पूरा बरामदा है ना, पहले तो गाय और बकरियों के गोबर से मिलता था, तो हम जानते थे कि वो पशु है, कोई बात नहीं चलेगा, हम साफ कर देंगे। हमने लक्ष्मी मैडम ने और मैंने एक दिन झाड़ू उठा करके पूरा ये बहनों के साथ धोया था, इनमें बच्चों का सहयोग भी लेते हैं धोया था। जानवर है चलेंगे, लेकिन जो मनुष्य और जो गांव के आदमी और बच्चे जानवर बनकर के यहाँ पी वो गुटखा थूक जाते हैं उनका मैं क्या करूँ? बहुत भारी समस्या है। यहाँ आए तो ये कोई अधिकारी आएगा ना तो वो ये नहीं देखेगा कि ये बच्चों ने किया, वो यही कहेगा कि मार साहब लोग ऐसा है ना कि मतलब गुटखा उठा खा रहा होगा। हमारे यहाँ न तो कोई धूम्रपान करता स्कूल में, कम से कम एक कि मैं नहीं कह सकता, पर स्कूल में मैं करता ही अलग नहीं करता कि गुटके खाएं या धूम्रपान करें। हम अगर करेंगे तो बच्चों को क्या सीख देंगे? न तो हुआ था न होगा जब तक नहीं, और ऐसा भगवान की दया से ऐसा स्टाफ मेरा नहीं है। तो मैं आपसे इस स्वतंत्रता दिवस पर इस विद्यालय को ऐसे गुटके और धूम्रपान से स्वतंत्र करने की हाथ जोड़कर झोली फैलाने की भी निवेदन कर सकता हूँ कि कम से कम जब यहाँ आप आए तो ये गुटखों और धूम्रपान से मुझे मुक्ति दिलाएं। ये बिल्कुल खराब लगता है, बच्चों में बहुत गलत संदेश जाता है। बच्चे अगर सीखते हैं तो इसका मतलब शिक्षक में कोई ना कोई कमी है, हमने आपको सही डायरेक्शन नहीं दिया। तो आपसे इस बारे में थोड़ी गुजारिश करूंगा। यहाँ से वहां तक अगर आप अवलोकन करें विद्यालय का, तो हमने यहाँ एक फैंसी तार की वायर लगाई है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब गेंद खेलने आते हैं तो गेंद बाहर चली जाती है और उसको लाने के लिए तार की जाली को तोड़ तोड़ के ऊपर से और उसके बाद आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे भी जानवर से कम नहीं है। वो जानवर समझ ही नहीं आ रहे कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, विद्यालयों की रक्षा करनी है, इसमें लगे हुए यहाँ से वहां तक लगभग मैं अपने 3-4 हजार रुपए के पौधे जेब से ला करके लगाए ये कम से कम चल जाए 3-4 हजार रुपए में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो पौधा अशोका का पेड़ है ना, ये 150 रुपए के लेके आया था, यहाँ पर भी एक पहले था, भूतकाल बन गया, भविष्य क्या है पता नहीं, भूतकाल में चला गया, अब नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये मेरे लिए समस्या है। इसमें मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये तार की जाली की रक्षा करें। यहाँ पर इधर जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, उसकी रक्षा करें।
पीछे ये जो बरामदा है, आप जब जाए तो ये गाने गीत आपको YouTube पे मिल जाएंगे, टेलीविजन पे मिल जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ते हैं, इनकी रक्षा का कर्तव्य हमारा है, आपका है, इस पे अपने को ध्यान देना है। ये बरामदा है, जही बरसात आती है टपर 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 करता है। और दूसरा आप अवलोकन करें इधर ध्यान से, क्योंकि आपके घर में जब ऐसे बरामदे बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं जिसका ढलान अंदर की तरफ हो, मतलब जिसका पानी, बारिश का पानी आएगा कमरे में पानी जाए, ऐसा करते हैं क्या? यहाँ देखो, अब होता क्या सर, मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि होता क्या है कि जो ही बारिश आई सारा पानी जाएगा इधर और कमरे में, और कमरे में आए तो सरकार तो एक सीधा कर देती है, कमरे में अगर बैठने की जगह नहीं हो तो छुट्टी कर दी जाए। अरे छुट्टी कर दी जाए तो पटा हम क्या करेंगे, आप वो करेंगे माला जपेंगे क्या? हम आए हैं कुछ तो देखे जाएंगे, कुछ न कुछ एक दिन में अगर एक बच्चा भी कोई एक अक्षर भी सीखता तो हमारा आना सार्थक है। मेरा इस पे बहुत ज्यादा जोर है कि कुछ न कुछ सिखाओ, पर एक दिन में भले ही आप आधा घंटा भी बच्चे के साथ बैठो, पर बैठो उसको कोई ना कोई यहाँ जाने के बाद तो सीखना चाहिए, अगर सीखने की जगह ही नहीं मिली तो हम क्या करें? तो इसके दो निराकरण होते हैं, या तो इस फर्श को इधर कर और यहाँ जो टपकने ही नहीं दे, क्योंकि टपकना अभी आप देखो मैं शिक्षा सदन भीलवाड़ा में पूरा का पूरा बरामदा नीचे आ गया, जिस दिन वो बरामदा नीचे आया मेरे पांव भी दूज गए, क्या करूं बताओ? मेरे बस में चले कि मैं यहाँ हाथ लगा करके खड़ा रहूं तो कृष्ण भगवान बन के वो खड़ा, लेकिन जो ही आएगा मैं दबा देगा, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, शहीद कर देंगे मेरे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसके लिए अपन मिल बैठ के चर्चा करें कि क्या करें, क्या अगर एक दो कट्टे सीमेंट या चार का पांच कट्टे सीमेंट रेत लगा करके उसके ऊपर कोई इसको ठीक कर दे छत को, ताकि पानी नहीं बरसे, और पानी बरसे तो टपके नहीं, और टपक भी जावे तो कम से कम नीचे नहीं गिरे, ऐसा उसको मजबूत कर दे। बच्चे सुरक्षित, हम सुरक्षित, बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसा हम इस मामले को खत्म करते हैं, एक नई टेंशन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी टेंशन जो आजकल विद्यालय में आ रही है कि विद्यालय में खाना पकाना और समय पे देना, ये हमारी जिम्मेदारी बन गई। बच्चे जब 150 से ऊपर होते हैं यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, तो खाना बनाने वाले होते हैं तीन खाना बनाने वाले मिलते हैं, और आज की तारीख में पहले 155 थे, तीन बना रहे थे, अब मतलब 131 रह गए, क्योंकि 25 बच्चे 8वीं क्लास के निकल गए और नए वाले बच्चे आधार कार्ड नहीं होने की वजह से भर्ती नहीं हो पा रहे। अब आधार कार्ड कौन बनाए? आधार कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, बिना आधार के भर्ती होते नहीं है। 8-10 बच्चे आ रहे हैं लेकिन आधार नहीं, नाम नहीं लिख सकते, तो समस्या कहाँ हो रही है? बच्चों के आधार कार्ड नहीं है, और आधार कार्ड नहीं होने से भर्ती नहीं हो रही, और भर्ती नहीं हो रही से नामांकन नहीं बढ़ रहा, नामांकन नहीं बढ़ रहा सर, जो तीन महिलाएं जो काम करती है उनकी बजाय हमें दो करना पड़ेगा, इसका मतलब वो दोनों टाइम